टैलेंट और इमेजिनेशन का कॉकटेल बहुत ही डेडली होता है। इमरान हसी के पास टैलेंट भी है और इमेजिनेशन भी है, इसलिए तो उसने एक इतनी एक्साइटिंग फिल्म बनाई है हाई टाइड। मैंने उसका ट्रेलर देखा है एंड इट केप्ट मी रिवेटेड। मुझे यकीन है कि आपको भी ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी। आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट इमरान, द वर्ल्ड वेट्स फॉर हाई टाइड। सर, ये हाई टाइड फिल्म जो है ये एक सर्वाइवल ड्रामा है, को भी थ्रिलर। एक आदमी किसी एक डार्क सिचुएशन में फंस जाता है, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो थ्रिलर है क्योंकि वो हर मिनट के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा है, वो काफ़ी कोशिश करता है। लोग किसी उसी कहानी में बिलीव नहीं करते हैं, बाकी क्योंकि इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता क्योंकि थ्रिलर है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। पहली बार देख रहा हूँ कि कोई अंदर है और वो फोन के अपना हेल्प मांग रहा है, जैसे प्रोमो नजर आ रहा है। मैं क्या लगा कि तो कैसे क्या कि फोन पे हेल्प मांग रहा है, पुलिस से हेल्प मांग रहा है, ये हेल्प मांग रहा है। सर, वो स्टोरी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आप लोगों ने जो ट्रेलर देखा है, वो ट्रेलर नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग अपनी फिल्म बनाते हैं तो जो फिल्म के सबसे अच्छे पार्ट होते हैं वो ट्रेलर में लगाते हैं। मैंने जो सबसे अच्छे हैं वो छुपा के रखे। ट्रेलर में सिर्फ उतना सा दिखाया है जितना सा मतलब उससे आपको कहानी के बारे में कोई कुछ पता नहीं चले, क्योंकि इसके अंदर इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। उसके बारे में एक बात भी बोल दूं, अगर ये भी बोल दूं कि उसके पास फोन कहां से आया, तो वो कहानी की कई चीजें खुल जाती हैं। मतलब कि आप एक्टिंग करते रहे हो, पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं, खुद को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है? खुद को डायरेक्ट करना नहीं, जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो भी कहीं ना कहीं खुद को डायरेक्ट ही कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उस तरफ जाके भी देखता हूँ, फिर इस तरफ आके करता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आप एक बार काम करते हैं, फिर वापस भाग के जाके चेक करना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर करते हैं, फिर देखते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, अदरवाइज काफी इंटरेस्टिंग है। हाई टाइड के बारे में बात करें तो मतलब क्या ये रियल झारखंड से बिहार की स्टोरी ऐसी होती है? कभी कभी रेसिडेंस होते हैं, मतलब कोई फंस जाता है? नहीं, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका कोई कोई रियल स्टोरी से उठाया हुआ नहीं है। कहाँ से डायरेक्ट कहाँ से आया आपको, मतलब ये हाई स्टोरी? देखिए, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ, मैंने काफ़ी लिखी हूँ, मेरे लिखने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मैं डार्क साइड में लिखता हूँ। मैं वो लव स्टोरीज और वो जो हो रहा है वो फार्मूला फिल्म वो मैंने लिखी, मैंने जितनी भी हैं सब बड़ी यूनिक और डिफरेंट स्टोरीज हैं, तो ये उसी का एक पार्ट, उसमें से एक लिख के रखी थी। फिर ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको काफ़ी टाइम से ये स्टोरी अच्छी लगी थी, जब भी मैं किसी के पास ले आता वो कहते थे लेके मत जाना, मैं ही करूँगा। फिर वो फाइनली सर कॉन्सेप्ट जो है ये थ्रिलर है, सस्पेंस है, और ये एक सर्वाइवल ड्रामा है जिसमें कि एक आदमी एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ पे वो किसी भी क्षण किसी भी मिनट मर सकता है। वो हर जाते हुए टाइम के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या होता है उसका, वो मर जाता है कि बचता है, उसने कोशिशें करी हैं, उसकी उसकी कहानी है, उसकी टेक्नोलॉजी का जमाना है। जैसे उसमें बता रहे कि वो मोबाइल लिए उसके पास नहीं और वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हेल्प के लिए, तो लोकेशन वगैरह का कुछ इस तरह से? हाँ, उसकी लोकेशन भी है, ट्रेस करी थी, लोकेशन ट्रेस करके भी जाते हैं लोग उसके पास। वो पार्ट है, आगे जब आप वो फिल्म के अंदर फिर देखेंगे तो पता चलेगा। तो लोकेशन कहाँ कहाँ थे? फिल्म की लोकेशन हमने उत्तर प्रदेश में शूट करा है, फूलपुर, प्रतापपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की काफी जगह हमने कोनी यूज करी, सब सारा पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश उत्तर प्रदेश की। इस फिल्म के अंदर एक गाना है और जो गाना है वो उसका टाइटल है ए आसमान वाले। तो गाना जो हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने इसका म्यूजिक दिया, ये म्यूजिक डायरेक्टर की, और शकील आजमी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और सिंगर जो है कृष्णा बेहूरा, उन्होंने वो गाना गाया है। तो वो गाना जो है वो शिकायत है ऊपर वाले से, ये आसमान वाले जब तूने हमें बनाया तो मुश्किलें क्यों नहीं, बनाना ही था, ये दुनिया बनाई थी तो आसान भी बना सकता था, तो उसकी वो एक पूरी शिकायत है उस गाने के अंदर। तो आप जब सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, परसों गाना रिलीज होगा। सर हम लोगों ने थिएटर से लिए हैं सारे, तो मैं हूँ, दधी पांडे हैं, तरुणा सिंह हैं, पंजू गुप्ता हैं, सुधाकर मणि हैं, ये थिएटर डायरेक्टर्स हैं। आपके लिए ऐसा डायरेक्शन क्या था, ये था या ऐसा एक्टिंग क्या था, डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, सब देखना होता है। जब मैं बैठ के डब्बे के अंदर जब मैं कर रहा था तो पता चला कि वो जनरेटर वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो डब्बे में से निकल के भाग के जाकर वो जनरेटर वाले से बात करना पड़ी थी। ये सब एक्टिंग जब कर रहे होते हैं तो नहीं होता, तब बेफिक्र होकर कर रहे होते हैं, इसमें थोड़े से
मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती है, इशूज ज़्यादा चल रहा होते हैं, माइंड ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर दोनों को मिक्स करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट हो गया? हमने इसको 27 दिन में कंप्लीट किया। कब तक रिलीज होगी ये? इसी महीने के एंड में रिलीज करेंगे इसको, दिवाली के आसपास। एनीथिंग एल्स? नो क्वेश्चन। कृष्णा जी ने गाया है, मैंने लिखा है, तो आप लोग सुनेंगे तो सकते हैं आपको भी अच्छा लगे। इस फिल्म में सस्पेंस है और एक आदमी के जीवन में एक दिन में क्या ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी जो है वो पता चल जाता है उसको कि भाई जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया ही है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। दिवाली के टाइम में रिलीज कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बिल्कुल हैं, अच्छी उम्मीदें हैं कि लोग पसंद करेंगे। आपको क्यों लगा यही पिक्चर करना, लोग होल्ड बनाते मतलब इस तरीके की पिक्चर? होल्ड बनाना मेरा, मुझे ये पिक्चर ये सब्जेक्ट अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंट था ये, इसलिए मैंने। सर म्यूजिक जो आपने रेडी किया है इस फिल्म के अकॉर्डिंगली क्या कहना चाहेंगे, मतलब पहले बनाया या नहीं? गाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ, फिल्म सिचुएशन सामने आई जी। ये थिएटर के लिए मतलब बनाए आपने, ओटीटी कहाँ रिलीज करेंगे? नहीं थिएटर के लिए और ओटीटी पर भी अगर जाएगी तो अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मतलब इस तरह की स्टोरी काफी एक्सीडेंट होते जैसा आया फिल्म में, तो कुछ मतलब क्या वहाँ से क्या मतलब सब सपोर्ट मिला? उत्तर प्रदेश ये बेसिकली बिहार के नक्सल के ऊपर है फिल्म, कि नक्सल एक बंदी को उठा के लेकर चले जाते हैं और फिर उसके साथ में जो जो होता है वो उसके जीवन में किस तरह से उसका बदल देता है, उसका पूरा जीवन बदल देता है, उसके ऊपर कहानी है। ऐसा फिल्म में क्या है जो पब्लिक को टच करेगी या थिएटर तक खींच के लेके आएगी, ऐसा कोई ऐसा? ये फिल्म का सब्जेक्ट हटके है, जितनी अभी फिल्में जो चल रही हैं लव स्टोरी नहीं है, ये एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली हॉलीवुड फिल्म से मिलता है, तो उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को भी वो सिनेमा अच्छा लगेगा। रोमांटिक सीन्स नहीं है इसमें, समंदर के अंदर जैसे ज्वार भाटा आता है तो वो एकदम से आता है आगे, आता है आगे, आता है आगे, सब कुछ तबाह हो जाता है, जो भी वहाँ पे चीजें होती है सब खाली हो जाती है, फिर हाई टाइड वापस चला जाता है। तो इसी तरह से एक आदमी के जीवन में जब हाई टाइड आया तो वो कैसे ऊपर तक गया, आगे गया, उसके बाद फिर वापस लौट के आ गया, तो इट्स अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट। ओके, एज अ प्रोड्यूसर चैलेंज रहा ये? बिल्कुल, फिल्म बनाना आसान नहीं होता, नहीं तो अपनी फिल्म बन जाती है अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इमरान सर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्दी इस फिल्म का शूट कंप्लीट हुआ, वरना नॉर्मली तो काफी टाइम तक फिल्म का शूट चलते ही रहता है। ओके, दिवाली पे रिलीज कर रहे हैं, दिवाली पे बहुत सारी फिल्में आ रही हैं सलमान की, इनकी उनकी बहुत सारी लोगों की, क्लैश होगा उसमें, कितनी तैयारी है आपकी उसके लिए? हम लोगों का सब्जेक्ट हटके है थोड़ा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। आपको लग रहा है कि आप मतलब इस तरह की कंटेंट मानी रहता है ना, तो सेलिब्रिटी कोई स्टार लगता है अगर कंटेंट में दम है तो बिल्कुल क्यों नहीं? आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, कहानी अच्छी है, प्रशांत जी बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा खुल के बोलिए ना क्या। एक्चुअली मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ बेसिकली, और ये मेरा हॉबी कह लीजिए प्रोडक्शन। अच्छा, तो माय म्यूजिक स्पीक्स लाउडर देन माय वर्ड्स। ओके, संदूक में कोई बंद है वो कैसे निकलता है, क्या है वो कहानी, थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। कहानी वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगी कि क्या है कहानी, ट्रेलर तो आपको डिमांड नहीं थी सब्जेक्ट में, डिमांड नहीं थी, और भी गाने रखे जाए।
क्या है वो गाना, किस किस वो टाइटल है, क्या है वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या है? ये एक पूरी फिल्म का एक सार समझ लीजिए कि वो गाना है। उसके लिरिक्स भी जो है, जो आम लिरिक्स जैसे होते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स के, वैसे नहीं है। ऊपर वाले से पुकार कर रहा है कि ए आसमान वाले, तूने ऐसा क्यों किया, जीवन दिया तो उसमें क्यों इतने बंधन लगाए हैं। दो लाइन गुनगुना दें अगर पॉसिबल हो। जीवन दिया तो जीने काहे शर्तें लगाई, राही के रस्ते मजबूरियों के कीले बिछाई, जी भी ना पाए मर भी ना पाए, खुद से निकल के किस ओर जाए, सांसों के घेरे में चारों तरफ है मकड़ी के जाले, ए आसमान वाले, ए आसमान वाले, ए आसमान वाले, ए प्रोड्यूसर के दर्द दिख रहे हैं इस गाने में। आई होप कि अच्छा करेगा दिवाली पे, आपकी दिवाली निकल जाएगी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैलेंज रहा आपको ड्रेस एज ए डिजाइनर, आपको क्या चैलेंज रहा? और ड्रेसेस बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पर्दे पर सर ने पहना हुआ है आपका जैकेट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? So it was like a really fast-paced survival drama. So उसके हिसाब से हम लोग को एक different type of you know costume रखा था, like थोड़ा dull, darker और these shades. क्योंकि आप ऐसे देखेंगे कि उनका background है, नाचों का background चला है, इसमें it's like a darker drama shade. तो उसके हिसाब से हमको contrast भी देखना था, and उस सब में थोड़ा challenging था, काफी interesting रहा। क्या briefing दी गई थी आपको जब सुनाया गया था कहानी, और आपने क्या तैयारी की थी? बेसिकली कहानी का ब्रीफ मेरे को पता था क्या था, एग्जैक्टली सर्वाइवल ड्रामा है वो है एवरीथिंग, तो उस हिसाब से फ्रीडम थी मेरी, मेरे हिसाब से वर्क किया, लाइक यू नो सबके हिसाब से वर्क करना था, हो गया, काफ़ी डिफरेंट था एक्सपीरियंस। इसके पहले भी किसी मूवी वगैरह के लिए आपने डिज़ाइन किया, फैशन शो, क्या क्या किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। अच्छा, ये पहला एक्सपीरियंस था। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।